हीरा सिंह भैया इन्हें थोड़ा पीछे बिछाई पे जमा दीजिए, बैठा दीजिए इन्हें तो अच्छा लगेगा। जो ये भक्तगढ़ खड़े हैं बैठ जाए, सभी भक्तगढ़ बैठ जाओ। इससे अच्छा अगर तू हमें मौत का संदेश दे देता तो अच्छा था, और अब हमें समझ में आ गया जिस दिन से हमारे घर में कृष्ण और बलराम ने जन्म लिया है ये कंस तरह तरह के राक्षस भेजता रहा, इस कंस के डर से हमने गोकुल नगरिया को खाली कर दिया, हम वृंदावन में समस्त यादव रहने लगे, सैकड़ों बीघा फसल हमारी बर्बाद हो गई। लेकिन आज हमें मालूम हो गया कि ये कंस अब हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, ये मेरे कृष्ण बलराम को मरवा देगा। मैया यशोदा आ गई, यशोदा भी रोने लगी, करुण क्रंदन मचा हुआ है घर में, और तब तक भगवान के नहीं है शाम को बंसी भट्ट से लौट के आई। अक्रूर को देखा है तो चरणों का बंधन किया, चाचा जी चित्त तो प्रसन्न है। अक्रूर ने सारी खैरियत बताई, मैया यशोदा बाबा नंद की आंखों में आंसू देखे तो कन्हैया कहने लगे बात क्या है मां, क्यों रो रही है? यशोदा कहने लगी लाला कंस ने तुझे बुलाया है, कन्हैया तू मथुरा मत जाना, मथुरा अगर कन्हैया गया तो वो कंस तुझे मरवा देगा। भगवान कन्हैया जैसे ये बांसुरी धमनियों का गरम गरम लहू बन गया, मां ये तुम क्या कह रही हो, भला कंस से इतना तुम डर रही हो? तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि कंस के पापों का घड़ा भर चुका है, केवल फूटना ही बाकी है। मैं जिस दिन मथुरा नगरिया में पहुंच गया तो मथुरा नगरिया की ईंट से ईंट बजा के आऊंगा और कंस का नाम निशान मिटा के आऊंगा। भैया तुझे मालूम नहीं है, we'll be right back।
कन्हैया कहने लगे मां मैं जिस दिन मथुरा नगरिया में पहुंच गया कंस का नाम निशान मिटा दूंगा। मां को समझाया लेकिन मां को नींद नहीं आई, सारी रात कन्हैया के वियोग में रोती रही। सवेरा हुआ अक्रू जी ने रथ तैयार किया, यशोदा मां रो रही है, कन्हैया का श्रृंगार सजा रही है, मेरा कन्हैया चला जाएगा। बाबा नंद ने समझाया यशोदा ये कन्हैया 11 वर्ष 55 दिन का हो चुका है और इसे तू घर में रखेगी। बोले हैं भगवान कृष्ण के